हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कैस्टर ऑयल के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में। यानी कैस्टर ऑयल, जिसे आरंडी का तेल भी बोलते हैं या फिर आरंडी का तेल भी बोलते हैं, इसके पूरे बेनिफिट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि बहुत लोग ये जानते हैं कि ये सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने के लिए यूज में आता है, बट ऐसा नहीं है। इसके बहुत ज़्यादा ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आप जान लेने के बाद इसको अपने घर में जरूर रखेंगे। और मैं ये आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर अपने घर के अंदर कैस्टर ऑयल को रखें। हर घर में होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहती हैं। तो अगर आपको भी समझना है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज लेकर के आने वाला हूं जो आपके जीवन को बिल्कुल सुखमय और खुशहाल बनाने में मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो टॉपिक आज का यह है कैस्टर ऑयल के बेनिफिट्स, यानी अरंडी के तेल का बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन करके देखते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट। और बिल्कुल अद्भुत लाभ है इसका, जबरदस्त लाभ है, जबरदस्त तेल है। सबसे पहला तो हम यही जान लेते हैं कि इसको लोग जो है दाढ़ी को ग्रो करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि सिर्फ दाढ़ी ही नहीं, अगर बाल भी आपके ज्यादा से ज्यादा टूट रहे हैं और ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप बाल के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके स्काल्प के अंदर या दाढ़ी का जो स्किन है, आपका दाढ़ी के हिस्से का जो स्किन है, उसके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है। तो जिनके दाढ़ी घनी नहीं हो रही है, जल्द से जल्द ग्रो नहीं कर रहा है, तो वो लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके आंख में कभी भी कुछ भी, कोई भी ऐसा जहरीला जीव पड़ जा रहा है या फिर कुछ भी ऐसा पड़ जा रहा है जिससे आप काफी परेशान हैं, तो आप अपने हाथों से, उंगलियों से ना मलें, घर में रखा हुआ है तो एक से दो बूंद अपने आंख में डाल दें, तो आंखों से ज़्यादा पानी आएगा और आपके आंख को बिल्कुल बिना किसी नुकसान किए वो बिल्कुल भी जो है जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी निकल जाएगा, चाहे वो कण हो चाहे कोई भी जीव जंतु हो, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा और आपके आँख को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का हानि नहीं होगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद जो है, माताओं बहनों को ब्रेस्ट के अंदर गांठ बन जाती है, गिल्टी सी बन जाती है, जिसका समय रहते हुए इलाज ना होने पर आगे चल करके वो कैंसर का रूप ले लेता है। लेकिन यहीं पर अगर आरंड का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल को हल्का हल्का मालिश करना स्टार्ट कर देती हैं वहां पर, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द से जल्द वो गांठ अपने आप खत्म हो जाएंगी। और अगर एड़ियां फटती हैं किसी की, बहुत ज़्यादा एड़ियां फटने का शिकायत देखा गया है, ठंड में तो मैक्सिमम लोगों का फटता है, लेकिन ऐसे लोगों को भी देखा जाता है जो लोग गर्मियों में भी परेशान रहते हैं एड़ियां फटने से, तो यानी कि बवाई जिनका फटता है, तो एड़ियां फटने से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त राहत देता है आरंड का तेल। आप घर के अंदर रखिए, डेली आप रात में इसको लगा करके एड़ियों पर या फिर नीचे तलवे पर लगा करके सोइए, आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसके अंदर आपको 100% राहत मिलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जो है, स्किन पर कई बार क्या होता है कि काला पैच वगैरह पड़ जाता है, फेस पर, गर्दन पर, पीठ पर, कहीं पर भी काला दाग सा बन जाता है, तो उस कंडीशन में आप इसके तेल को लगा करके थोड़ी देर तक मालिश करें, आप देखेंगे कि वो काला पैच या काला धब्बा, काला दाग बिल्कुल 100% खत्म होता हुआ नजर आएगा। उसका रीजन ये है कि वहां का ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा करके उसको रिपेयर करने का काम करता है। उसके बाद पेट का दर्द, बहुत लोगों की ऐसी शिकायत आ रही है कि पेट का दर्द कई साल हो गया हमेशा हल्का फुल्का बना रहता है या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, उसके अंदर ये रामबाण काम करता है। लेकिन कैसे आपको लेना है? आप एक गिलास पानी लें, उसके अंदर दो चम्मच आरंड का तेल डालें, आधा नींबू निचोड़ लें उसके अंदर, और उसके बाद जो है आप इसको पी जाया करें सुबह सुबह खाली पेट। आप देखेंगे कि पेट के दर्द जो सालों से आप परेशान थे बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया, या फिर दिन में कभी भी पेट में दर्द होने लगा बहुत ज़्यादा, तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि एक गिलास पानी लीजिए, दो चम्मच उसके अंदर आरंड का तेल मिलाइए, आधा चम्मच नींबू का रस मिलाइए और उसको पी जाइए। कितना भी तेज दर्द हो, बिल्कुल 100% आपको रिलीफ मिल जाएगा।
उसके बाद कब्ज रहता है, आपका पेट साफ नहीं होता, चाहे किसी भी उम्र के हों, बच्चे हों या फिर बूढ़े हों, किसी भी उम्र के लोग हों जिनको कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता है, तो अगर 14 साल से नीचे हैं तो आप क्या करें, रात को एक गिलास दूध के अंदर एक चम्मच आरंड का तेल मिलाएं, अगर 14 साल से ऊपर हैं तो दो चम्मच आरंड का तेल मिलाएं और उसको पी जाएं, सुबह 100% आपका जो है पेट साफ हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, बहुत लंबे समय से कब्ज रहता है, तो उसके लिए आप क्या करें कि आप मुनक्का लेकर के आएं, 20 से 25 मुनक्का में से उसका बीज निकाल करके फेंक दें और दूध में एक गिलास दूध में उस मुनक्के को पकाएं। पकाने के बाद जो है आप उसके अंदर दो चम्मच आरंड का तेल मिला लें और उसके बाद जो है वो मुनक्का खा जाएं और वो दूध पी जाएं, 101% आपका पेट साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से कब्ज वाले लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो है जिनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, यानी कि पाचक रस नहीं बन रहा है, क्योंकि जैसे कि बताया गया है कि एक हर खाने को पचाने के लिए उससे रिलेटेड जो है रस जनरेट होता है, जिसको एंजाइम भी बोला जाता है इंग्लिश में, तो वो अगर रस नहीं बन रहा है तो वो रस बनाने में ये बहुत ही कारगर साबित होता है। अब जिनको रस नहीं बन रहा है, डाइजेशन सिस्टम नहीं सही है, तो वो डेली दूध में एक से दो चम्मच डाल करके पीते रहें, आपका पेट भी साफ होता रहेगा और वो पाचक रस बनने लग जाएगा। उसके बाद अपेंडिस, जिनको अपेंडिस हो जाता है, बहुत ही ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ जाता है, तो अगर वो लोग दर्द से बहुत ज्यादा परेशान है अपेंडिस के दर्द से, तो वो लोग क्या करें, रात को एक से दो चम्मच दूध में ही पीना है, आप देखेंगे कि वो अपेंडिस का जो दर्द था वो बिल्कुल भी दो से तीन दिन में समाप्त हो जाएगा और धीरे 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 जो है वो सूजन बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी, तो अपेंडिस भी इससे खत्म किया जा सकता है। उसके बाद जो है माताओं बहनों के योनि में कई बार सूजन हो जाता है, चुभनसी होने लग जाती है किसी एलर्जी की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत ही रामबाण काम करता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि इसके अंदर रुई को भिगो करके और आप योनि में रख लें और देखेंगे कि घंटे दो घंटे के बाद ही आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलने लगी है और धीरे धीरे सूजन या फिर जो भी एलर्जी है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी और आपको 100% रिलैक्स मिल जाएगा। उसके बाद जो है साटिका, साटिका या फिर गांठ का दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, इस टाइप के दर्द से अगर आप परेशान हैं तो आप जो है इसको वहां पर जहां जहां दर्द हो रहा है, जहां जहां जोड़ों का दर्द हो रहा है वहां पर मालिश करें, आपको 100% रिलीफ मिलेगा। उसके बाद कोई भी जहरीली चीज अगर काट दिया है आपको, कोई भी जहरीली जीव जंतु अगर काट दिया है, जैसे ततैया हो गया या फिर मधुमक्खियां वगैरह हो गई, अगर कहीं पर भी काट दी है तो आप वहां पर इमीडिएट इसको लगा देंगे तो दर्द में भी आपको राहत मिल जाएगा और अगर दूध में मिला करके एक से दो चम्मच पिला देंगे तो दर्द बहुत जल्द दर्द में राहत मिल जाएगा और जो सूजन है वो सूजन भी नहीं होगा और सूजन अगर हो गई है तो जल्द से जल्द उस सूजन को कम करने में भी ये राहत देता है। तो इस टाइप से जो है आप कैस्टर ऑयल का यूज कर सकते हैं, हर घर में इसको रहना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लीज आप जो है इसको मंगा लीजिए और आप अपने घर में रखिए। इतने सारे काम में जो है ये आता है, आपके घर में रहेगा तो इतने सारे आपको बेनिफिट्स देगा। और अगर कोई जरूरत नहीं पड़ रही है तो आप हेयर में लगा सकते हैं, जबरदस्त ग्रोथ होगा। जो भी हेयर नहीं निकल रहे हैं, अंदर से जड़ है लेकिन नहीं निकल रहा है, तो उसमें ग्रोथ करेगा। जिनको दाढ़ी कम है, घना नहीं है, घना करना है, तो आप डेली दाढ़ी पर मसाज कीजिए, जबरदस्त ग्रो होगा। तो इस तरीके से जो है हर घर के अंदर मैं आह्वान कर रहा हूं कि अरंड का तेल होना चाहिए, यानी कि कैस्टर ऑयल होना चाहिए, क्योंकि इसके बेनिफिट्स इतने हैं। तो दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी फिर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जानकारी सभी लोगों के साथ पहुंच सके। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आने वाला हूं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी नॉलेज के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और दवाओं से मुक्त होने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।